भारत ने UNHRC में पाकिस्तान और तुर्की को लगाई है फटकार। उन्होंने ये बोला पाकिस्तान पूरा रेड में है, उसकी बैलेंस शीट भी रेड में है और उसके कर्म भी रेड में हैं। A country that hosts and even celebrates UNSC sanctioned terrorists, commenting on India, a country that speaks while being soaked in red. कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान और तुर्की को फटकार। We regret the comment made by Turkey on a matter that is an internal affair of India and hope that it would refrain from making unsolicited comments on our internal matters in future. हम काम करके कमा के खाना चाहते हैं, हम लोन्स ले लेकर थक गए, लेकिन पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं वो हरगिज इस तरह की कोई भी बात नहीं करते। वो ऐसे क्या कदम उठा सकता है, वो ऐसे क्या स्टेप्स ले सकता है जिसकी वजह से पाकिस्तान को तशवीश लाहक है कि वो कहीं कोई ऐसा कदम ना उठाए कि जिस पे पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो हैं वो खतरे में पड़ जाए। ये दो बड़ी डिफरेंट कंट्रडिक्शंस हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया, कि इंडिया आज क्या प्लान कर रहा है और हम क्या प्लान कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान को स्नब किया, पाकिस्तान का जो एक ओपिनियन थी या पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट थी उसे डिसएग्री किया, जिससे हालात की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये कहा गया है कि इंडिया, हम समझते हैं, न्यूट्रल रहेगा और न्यूट्रलिटी को बरकरार रखेगा और इस किस्म का कोई जो है वो कदम नहीं उठाएगा कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को कोई तशवीश लाहक। कश्मीर को बताया भारत का अंदरूनी मामला, दखलंदाजी नहीं देने की बात कही है। द एंटायर यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर एन इंटीग्रल एंड इनएलियनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान हैज नो लोकल स्टैंड बाय टू प्रोनाउंस ऑन मैटर्स दैट आर इंटरनल टू इंडिया। जेनेवा में ह्यूमन राइट्स की जो काउंसिल है उसका एक कन्वेंशन था और उधर पाकिस्तान ने बात की जम्मू कश्मीर की और पाकिस्तान एलिगेशंस लगाए कई तरह के हिंदुस्तान के ऊपर और कहा, जो कि हमेशा हर जगह पे जाकर पाकिस्तान जो कश्मीर कश्मीर किया करता है, पाकिस्तान ने वही किया और पाकिस्तान ने यही बात की कि ह्यूमन राइट्स के उस कन्वेंशन में जाके पाकिस्तान ने जो है वो एक बार फिर यही बात की कि जी जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान के पास है वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और इसी किस्म की कई दूसरी एलिगेशन जो है वो हिंदुस्तान पे लगाई, जिसके जवाब में हिंदुस्तान की तरफ से भी जवाब आया। पहले हम देखते हैं एक क्लिप और फिर आपसे बात करते हैं। With regard to the extensive references to India made by Pakistan, we note that it is deeply unfortunate for the Council's platform to have once again been misused to make patently false allegations against India. We are constrained to respond. But as we don't wish to similarly waste the Council's time, we will make only three points. One, the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. And the constitutional measures taken by the government of India to ensure socio-economic development and good governance in the Union Territory of Jammu and Kashmir are matters internal to India. Pakistan has no locus standi to pronounce on matters that are internal to India. जी तो ये थी अनुपमा सिंह। जी हाँ, ये भारत की तरफ से बात कर रही थी और इससे पहले अनुपमा जो है वो पाकिस्तान में भी रह चुकी हैं और अभी कोई 2 months पहले तक वो पाकिस्तान में थी। मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई है डिफरेंट इवेंट्स में, कभी दिवाली पे, कभी 26 January और कभी 15 August वगैरह के इवेंट्स में मेरी उनसे मुलाकात रही है और अभी उन्होंने पहले 2 साल यहाँ पे गुजारे पाकिस्तान में और फिर वो चली गई है जेनेवा। जी हाँ, और वही ये सारी बातें जो हैं उसका जवाब पाकिस्तान को दे रही थी और उनका यही कहना है कि जी जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान के इंटरफेयर नहीं, पाकिस्तान को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान के मामले में। बहरहाल मुझे समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान से जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाए, यूनाइटेड नेशन के किसी भी इवेंट में जाए, वहां जाकर ना तो ये लोग किसी तरह की इकोनॉमी की बात करते हैं, ना एजुकेशन की बात करते हैं, ना हेल्थ की बात करते हैं, ना दुनिया के साथ टर्म्स बेहतर करने की बात करते हैं, ना ये कहते हैं कि जिस तरह से भारत और दूसरी कंट्रीज में बड़ी बड़ी नेशनल कंपनीज जा रही हैं उसी तरह की कुछ कंपनीज पाकिस्तान के पास भी आए, हम ऐसा माहौल बनाएंगे, हम ऐसा कुछ सिक्योरिटी देंगे उन लोगों को, चाहे वो पैसे की सिक्योरिटी हो या जान की सिक्योरिटी हो, हम उसके ऊपर काम करेंगे ताकि पाकिस्तान जो जगह जगह पे जाकर और लोन मांगता फिरता है वो ना करना पड़े। हमारे यहाँ फूड क्राइसिस भी है, हमारे यहाँ वाटर क्राइसिस भी है, हमारे यहाँ और भी 100 तरह के प्रॉब्लम्स है, मेडिसिन भी नहीं मिल रही होती लोगों को, लेकिन हमारे यहाँ लोग जब भी कहीं पहुंचते हैं यूनाइटेड नेशन या ऐसे किसी जगह पे जहाँ पे बहुत सी कंट्रीज मौजूद हो
बहुत सी बड़ी कंट्रीज मौजूद हो, इम्पोर्टेंट कंट्रीज मौजूद हो जो उनकी बात को सुन सकती हो, या जिनके पास जाके इनको अपना प्रॉब्लम बताना चाहिए, वो प्रॉब्लम बताने के बजाय पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर कश्मीर करके निकल आता है। हमने इमरान खान को भी यही करते देखा, हमने नवाज शरीफ को भी यही करते देखा, हमने इससे पहले बेनजीर भुट्टो को भी यही करते देखा, और जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं या फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं पाकिस्तान में, और उन्हें जहां कहीं भी जाने का मौका मिलता है, जहां जाके वो दुनिया को ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान काम करना चाहता है, पाकिस्तान एजुकेशन पे काम करना चाहता है, फूड क्राइसिस पे काम करना चाहता है, हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहते हैं, हम इकोनॉमी पे काम करना चाहते हैं, फाइनेंस बेहतर करना चाहते हैं अपनी, हम काम करके कमा के खाना चाहते हैं, हम लोन्स ले लेकर थक गए, लेकिन पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं वो हरगिज इस तरह की कोई भी बात नहीं करते, उसके बजाय सिर्फ कश्मीर कश्मीर करके। अब यकीनन पाकिस्तान में जो लोग हैं वो इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, और लोगों का यही कहना है, ना सिर्फ लोगों का ये कहना है, आप जानते हैं कि बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से एक्टिविस्ट जो हैं वो पाकिस्तान से भी और भारत से भी हमें यही बताते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान को जो उनके मेन इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए, बजाय हर जगह जाकर कश्मीर कश्मीर करने के। ये कहा गया है कि इंडिया, हम समझते हैं, न्यूट्रल रहेगा और न्यूट्रलिटी को बरकरार रखेगा और इस किस्म का कोई जो है वो कदम नहीं उठाएगा कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को कोई तश्वीश लाहक हो, लेकिन इंडिया की तरफ से आखिर क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? अगर हम इस पर बात कर लें, मसलन इंडिया ने जो तीन बड़े अपने मोटिव्स बयान किए, जो ऑब्जेक्टिव्स बयान किए, वो क्या हैं? वो है जी पीस कीपिंग, इसके अलावा काउंटर टेररिज्म और मैरीटाइम सिक्योरिटी। अगर आप देखें तो इन तीनों का आपस में ये इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है, इन तीनों का आपस में ताल्लुक है। इसकी वजह यह है कि जब आप काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं तो जाहिर है कि आप पीस कीपिंग की बात करते हैं, और जाहिर है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी भी उस हवाले से इंडिया के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है, अगर हम चाइना की बात कर लें, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को जो कह सकते हैं आपकी तशवीश लाहक है कश्मीर के हवाले से, खास तौर पर उनको, उन्होंने ये सवाल किया कि आप नहीं समझते कि जो यूनाइटेड नेशंस की जो भी रेजोल्यूशन है वो तो उसकी वायलेशन है, ये 370 का जो एक्शन है, और उन्होंने 5 अगस्त की बात की, तो उसके ऊपर एम्बेसडर साहब ने उनको जो जवाब दिया, उनका ये कहना था कि देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कुछ भी है, वो बायलैटरल रिलेशंस के थ्रू जो है हम उसको हल कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया तो फिर उन्होंने उनको दोबारा जवाब दिया और बहुत ही सख्त जवाब दिया, क्योंकि उसके जवाब में उन्होंने फिर अपने कश्मीर के बजाय उन्होंने बात कर दी पाकिस्तान के कश्मीर की। तो ये मैं आपको एक, आप कह लीजिए, वैसे तो ये जो इस तरह की गुफ्तगू होती है, मैं ये भी बताऊं कि मसलन ये कि जब भी कोई ऐसी बात होती है, जो भी मुल्क प्रेसिडेंसी संभालता है और जब इस तरीके से जर्नलिस्ट उनसे सवाल जवाब करते हैं, तो जिस मुल्क के जो भी जर्नलिस्ट होते हैं वो पहले से ही उनको फीड कर दिया जाता है कि आपने ये करना है और आपने ये पूछना है। इस तरह भी होता है बाज़ोकात, लेकिन ठीक है कि ये एक, इसके पैरामीटर्स होते हैं और हर कंट्री जो अपना हक इस्तेमाल कर